नोएडा में बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर FIR। रेव पार्टी में सांप का जहर और विदेशी लड़कियों की सप्लाई। बिग बॉस OTT2 विनर एल्विश यादव पर कस गया कानूनी सिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर हाल ही के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस के विनर एल्विश यादव को लेकर सामने आ रही है। हालांकि एल्विश यादव हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इसी बीच एल्विश से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में विदेशी लड़कियों को सप्लाई करने और रेव पार्टी कराने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज FIR में सांपों का प्रतिबंधित जहर ड्रग्स के तौर पर सप्लाई करने के भी आरोप लगाए गए हैं। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहां से 5 कोबरा सांप बरामद हुए हैं, साथ ही सांप का जहर भी मिला है। जब पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की तो इसमें सभी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव का भी नाम ले रहे हैं। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वही सूत्रों के मुताबिक एक NGO ने स्टिंग ऑपरेशन कर नोएडा पुलिस में शिकायत भी दी थी। पुलिस के मुताबिक नोएडा पुलिस ने प्रतिबंधित सांपों का जहर सप्लाई करने वाले गैंग को लेकर छापेमारी की है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेप पार्टी में सांप का जहर और विदेशी लड़कियों को सप्लाई करने के भी आरोप हैं। गिरफ्तार 5 आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने यूट्यूबर एल्विश यादव को गैंग से जुड़े होने की बात कही है। गैंग के कब्जे से 9 सांप और 9 सांपों का जहर भी मिला है, जिसमें से 5 कोबरा और बाकी के अलग अलग प्रजाति के हैं। नोएडा पुलिस ने 9 जहरीले सांपों को बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि एल्विश ने बिग बॉस OTT2 का खिताब अपने नाम किया था। इस शो में उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वाइल्ड कार्ड से एंट्री लेने वाले को शो का विनर बनाया गया।